वापी पर सीएम योगी के दिए बयान पर समाजवादी पार्टी नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए। अपने बयानों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे, अब वो क्या कह रहे हैं सीएम के इस बयान पर, ये भी आपको सुनाते हैं। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। अब जब माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, प्रस्ताव तो पहले मांग लिया गया होता, माननीय उच्च न्यायालय में जाने की नौबत नहीं आती। अब तो जो भी निर्णय होगा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये सुझाव दे रहे हैं कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य यहां तक कह देते हैं, जब सर्वे को लेकर के बातचीत हो रही थी तब यहां तक कह देते हैं कि मंदिर जो है वो पहले मठ हुआ करते थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए।